नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा सातवीं विषय संस्कृत का पाठ दो छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्वाणी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि हमारे देश में, पूरे विश्व में त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार सबको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि त्यौहार उत्साह लाते हैं, उल्लास लाते हैं और साथ ही मीठे मीठे पकवानों की सुगंध और स्वाद लाते हैं। बच्चों, आप लोगों को बहुत पसंद है सभी प्रकार की मिठाइयाँ और त्यौहारों में मज़े करना, नए कपड़े, सारा कुछ हमें त्यौहारों में मिलता है और हम सबको पसंद है, बच्चों को तो विशेष करके। तो बच्चों, ये जो आज का हमारा पाठ है छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्वाणी, इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा कि हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, उसके प्रमुख त्यौहार पर्व कौन से हैं, हम इस पाठ में उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों, छत्तीसगढ़ से प्रमुख पर्वाणी में पहला जो पर्व है, दूसरा जो पर्व है, ये आपको धीरे धीरे याद आते जाएंगे। चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ से प्रमुख पर्वाणी, छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार। पहले मैं वाचन करूंगी, वाचन करने के बाद में उसके कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगी, शब्दार्थ भी लिखे हुए और जो कुछ और भी साथ में बताऊंगी, और इसके साथ ही साथ मैं उसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद भी बताऊंगी। तो बच्चों तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बहुत मज़ा आएगा छत्तीसगढ़ के त्यौहार, प्रमुख त्यौहारों के बारे में जानने के लिए। मानव जीवने उत्सवानाम महत्वम सर्वविदितमेव। छत्तीसगढ़ राज्ये बहवः उत्सवाः प्रचलिताः। तेषु हरेली, पोरा, तीजा, जवारा, जेठौनी, छेरछेरापुन्नी इत्यादयः मुख्याः सन्ति। बच्चों, शब्दार्थ जैसे कि आप देख रहे हैं, मानव जीवने का अर्थ है मानव जीवन में। सर्वविदितमेव, सर्व माने सभी, विदित का अर्थ है विदित है, मालूम है, ज्ञात है, और मेव जो आपको दिख रहा है असल में वो ऐसा है सर्वविदितम एव, ऐसा मिल के बना है सर्वविदित मेव, तो एव का अर्थ होता है ही। और इसके अलावा वहाँ एक शब्द और दिख रहा है उत्सवानाम, जिसका अर्थ होता है उत्सवों का, पर्वों का, त्योहारों का। और महत्व, महत्व तो सब समझते हैं आप लोग, तो पहले लाइन का अर्थ होगा मानव जीवने, मानव जीवन में त्योहारों का महत्व सभी को मालूम ही है, ज्ञात ही है। छत्तीसगढ़ राज्य बहवः उत्सवाः प्रचलिताः। छत्तीसगढ़ राज्य में बहवः, बहवः का मायने देख रहे हैं बहुत, उत्सवाः, उत्सवाः माने त्योहार, पर्व, उत्सव, प्रचलिताः, प्रचलिताः माने प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से उत्सव प्रचलित हैं। तेषु हरेली, तेषु माने देख रहे हैं अर्थ है उसका उनमें, तेषु मतलब उनमें, हरेली अब ये त्योहारों के नाम है बेटा, हरेली, पोरा, तीजा, जवारा, जेठौनी, छेरछेरापुन्नी इत्यादयः, इत्यादयः माने इत्यादि, मुख्याः सन्ति मुख्य हैं, उनमें जो बहुत सारे, वैसे तो छत्तीसगढ़ के कोई इतने ही त्यौहार नहीं, बहुत सारे मुख्य त्यौहार हैं, तो उनमें ये त्यौहार मुख्य हैं। तो बच्चों, अब मैं इत्यादयः के लिए एक छोटी सी बात यही बता देती, इत्यादयः इति धन आदय से मिलकर बना है, स्वर संधि है यहाँ पर, और संति जो देख रहे हैं ये बहुवचन है, अस्ति आप जानते ना, अस्ति का प्रयोग होता है, तो ये संति अस्ति का बहुवचन है। एतेषु इनमें पहला त्यौहार है बच्चों हरेली, इत्यस्य विशिष्टम महत्वम अस्ति। इत्यस्य माने इसका, विशिष्टम माने विशेष, विशिष्ट भी कहते हैं, और महत्वम अस्ति महत्व है, इसका विशेष महत्व है, इसका माने किसका, हरेली का। पहला त्यौहार हम हरेली के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पहला त्यौहार पड़ता है हरेली का। श्रावण मासस्य अमावस्यायाम हरेली उत्सवः भवति। श्रावण माह की अमावस्या को हरेली उत्सव होता है। हरेली उत्सव कब होता है? श्रावण माह की अमावस्या को।
वातावरणे सर्वत्र हरितिमा लक्ष्यते। वातावरणे वातावरण में सर्वत्र का मायने है सब जगह सभी ओर, और हरितिमा का मायने आप देख रहे हैं बेटा लिखा हुआ, हरितिमा माने हरियाली और लक्ष्यते माने दिखाई देती है। तो इस लाइन का अनुवाद होगा वातावरण में सब जगह हरियाली दिखाई देती है, यह आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा। कृषका क्षेत्रेषु बीज वपनम कृत्वा सर्वाणि उपकरणानि संशोध्य पशूनां पूजनम कुर्वन्ति। बच्चों यहाँ पर कृषका कृषक शब्द से आप परिचित हैं, कृषक किसान। क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु का अर्थ आपको दिखाई दे रहा है शब्दार्थ खेतों में। बीज वपनम बीज शब्द आप समझते हैं, बीजा नाम वपनम ये सामासिक शब्द है बच्चों, बीजा नाम वपनम तत्पुरुष समास है यहाँ। बीजों की बुआई बीज बोना, कृत्वा माने करके, यहाँ पर क्रीधन कत्वा से बना है कृत्वा। अब सर्वाणि सर्वाणि माने सभी, उपकरणानि माने उपकरण, उपकरण याने क्या औजार, यहाँ लिखा हुआ है शब्दार्थ में उपकरणानि माने औजारों को। संशोध्य संशोध्य माने साफ करके, इसका शब्दार्थ है साफ करके। संशोध्य समधन शुद्धन लेप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, और संशोध्य नहीं बोलेंगे अपन, इसका उच्चारण करेंगे संशोध्य। तो संशोध्य माने साफ कर स्वच्छ कर। और पशु नाम पशु शब्द से बना है पशुओं का, पूजनम पूजा शब्द से बना है पूजन पूजा करने से उसका अर्थ लेंगे, कुर्वंती माने करते हैं। अब बच्चों इस लाइन का हिंदी अनुवाद समझते हैं। कृषका क्षेत्रेषु बीज वपनम कृत्वा, किसान खेतों में बीज बोने का कार्य करके, सर्वाणि उपकरणानि संशोध्य सभी औजारों को साफ कर, पशूनां पूजनं कुर्वन्ति पशुओं की पूजा करते हैं। बच्चों खेतों में जब किसान बीज बोने के कार्य करते हैं तो उनको उस कार्य के लिए कुछ औजारों के हल इत्यादि औजार प्लस उनको बैल की भी ज़रूरत होती, क्योंकि बैल हल चलाने में मदद करते, कृषि कार्य में बैल मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो पशु से संबंध है कि जो कृषि कार्य के लिए जो बैल उनकी मदद कर रहे हैं, तो जब ये कार्य समाप्त हो गया, बीज बोने का कार्य समाप्त होता है बच्चों हरेली तक, तो वहाँ पर वो अपने औजारों को साफ करते हैं, और पशुओं ने जो उनको उस कार्य में मदद की है कार्य करने में, उनको भी उनकी भी सजावट करके उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सफाई औजारों की और पशुओं की पूजा वाली बात यहाँ पर की गई है, और ये आप लोग के घरों में हरेली मनाते हैं इसलिए आप इन सब से बहुत अच्छी तरह से परिचित भी हैं बच्चों। अब हम देखें इसके आगे के भाग में हरेली के लिए और क्या क्या लिखा है, तो चलिए मैं वाचन करती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और वाचन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि संस्कृत में वाचन का बहुत महत्व है। पशूनां कृते गोधूम निर्मितां रोटिकां पाचयन्ति। पशूनां पशु का फिर से पिछले लाइन में आपने देखा है वही शब्द आ गया, कृते माने के लिए, गोधूम निर्मितां गोधूम माने गेहूं, और गेहूं से बनी गोधूम निर्मितां आप अर्थ देख रहे हैं गेहूं से बनी, रोटिकां रोटियां, और पाचयन्ति पकाते हैं। तो पशुओं के लिए गेहूं से निर्मित रोटियां पकाते हैं बच्चों, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद उनको भोजन भी खिलाना होता है पशुओं को, तो गेहूं की रोटियां पकाते हैं। तंडुल निर्मिताम चित्रापूप चीला इति खाद्य पदार्थस्य सेवनम कुर्वन्ति जनाः। जनाः का अर्थ है यहाँ लोग, जनाः माने लोग। तंडुल निर्मिताम का अर्थ है शब्दार्थ में लिखा हुआ है, तंडुल माने चावल, चावल से बनी, और चित्रापूपह का अर्थ तो आप कोष्ठक में देख ही रहे हैं चीला लिखा हुआ है, और खाद्य पदार्थ भी आप समझते सेवन भी समझते। चलिए इसका अनुवाद देखें,
लोग, अब यहाँ जना को पहले ले लेंगे अनुवाद करते समय, जना यानी लोग। तंडुल निर्मिता माने चावल से बने चीला, इस खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। उस दिन चीला खाते हो ना बच्चों, आपकी माताजी बनाती होंगी, तो इस त्योहार के समय में चावल से निर्मित चीले का पकवान बनाया जाता है। तो इसलिए इसको समझिए कि लोग चावल से निर्मित चीला इस खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, इस खाद्य पदार्थ को पकवान को खाते हैं। बालकाः काष्ठ निर्मितेन गेड़ी नाम क्रीडोपकरणेन इतस्ततः विचरन्ति हर्षम च अनुभवन्ति। बच्चों काष्ठ निर्मितेन का अर्थ है लकड़ी से बनी, और गेड़ी सुनते तो बिल्कुल आप लोग खुश हो गए होंगे, क्योंकि हरेली में आप लोग गेड़ी पर चढ़ते भी होंगे, घूमते भी होंगे। नाम क्रीडोपकरणेन, कठिन लग रहा होगा ये बड़ा सा शब्द, तो ये जो गेड़ी नाम का क्रीडा, क्रीडा शब्द का अर्थ होता है खेल वैसे, तो भाई आप लोग गेड़ी पर चढ़ के खेलते तो हैं, तो इसलिए उपकरणेन पिछले लाइन में आया है, औजार माने एक औजार नहीं है, उपकरण है ये, पर एक बहुत सुंदर सा गेड़ी बनता है आप लोग जानते हैं, तो उसी के लिए यहाँ नाम क्रीडोपकरणेन ये शब्द है। इतस्ततः इधर उधर, और विचरन्ति घूमते हैं, हर्षम हर्ष खुशी, और अनुभवन्ति, अनुभव शब्द तो हिंदी का ही है बच्चों, अनुभवन्ति। अब इसमें अनु के साथ भू भव धातु, भवन्ति अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों धातु रचना से भी आप परिचित हो रहे हैं, विचरन्ति में भी वहाँ पर भी विचरन्ति का अर्थ है घूमते हैं। तो चलिए अब इस लाइन का अपन हिंदी अर्थ देखते हैं। बालका बच्चे, बालका बहुवचन है यहाँ पर, बच्चे लकड़ी से बनी गेड़ी नामक क्रीड़ा के उपकरण पर, मतलब खेल के उपकरण पर इधर उधर घूमते हैं और खुशी अनुभव करते हैं। तो बच्चों यहाँ खेल का उपकरण है गेड़ी है, और आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि हरेली त्योहार में आप किस पर चढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं और इधर उधर घूमते हैं। अच्छा, गेड़ी से एक छोटी सी बात और बता दूं बच्चों, कि उस समय सावन का महीना है, बारिश बहुत होती है, कीचड़ रहता है, तो गेड़ी जमीन से ऊपर होती है ना, थोड़ा काफ़ी ऊपर होती है, उस पर जब चढ़ते हैं तो हम कीचड़ से पानी से भी बचते हैं, और बच्चों इसमें बहुत मज़ा करते हैं आप लोग, बहुत ही मज़ा आता है। चलिए आपको हरेली के बारे में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा प्रमुख त्यौहार देखें कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का, तो दूसरा प्रमुख त्यौहार है पोरा। पोरा सुनते ही आप लोग को कुछ बातें याद आ गई होंगी, चलिए मैं पहले वाचन करती हूँ अर्थ बताती हूँ। भाद्रपदस्य अमावस्यायाम पोरा पोला उत्सव भवति। भाद्रपद से बच्चों ये महीने का नाम है भाद्रपद, जिसको हम अपने बोलचाल की भाषा में भादो भी कहते हैं। बच्चों ये हिंदी महीनों के नाम हैं, हिंदी में सावन भादो आपने सुना होगा, क्वार कार्तिक बोलते हुए सुना होगा, पौष महीने का नाम सुना होगा। तो बच्चों इस पाठ में जो भी महीनों के नाम आ रहे हैं ये हिंदी महीनों के नाम हैं। तो भाद्रपद से मतलब भाद्रपद माह के बारे में यहाँ बात की जा रही है। अमावस्यायाम शब्दार्थ दिया हुआ है, अमावस्या में पोरा, पोरा को पोला कहते हैं हिंदी में, कोष्ठक में दिया हुआ है, उत्सव बहुत उत्सव होता है, भाद्रपद अमावस्या को पोला त्योहार होता है। कृषि प्रधानस्य छत्तीसगढ़स्य अयम प्रधान उत्सव, कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ का यह प्रधान प्रमुख उत्सव है, प्रमुख त्यौहार है। कृषि कार्यम क्षेत्रकर्षणम च बलिवरदा कुर्वन्ति। कृषि कार्यम यानी खेती का कार्य, क्षेत्रकर्षणम का मायने दिया हुआ है बच्चों खेत की जुताई, बलिवरदा का मायने दिया हुआ है बैल, तो कृषि का कार्य और खेतों की जुताई का कार्य बैल करते हैं। अतः अस्मिन् उत्सवे बलिवरदानाम विशिष्टा सज्जा भवति। अतः
अतः इसलिए अस्मिन् उत्सवे इस त्यौहार में इस उत्सव में बलिवर्धनाम बैलों की विशिष्टा सज्जा भवती विशेष सजावट होती है। बच्चों स्पष्ट हो गया अनुवाद से आपको और आपको याद भी आ गया होगा कि हाँ बैलों को विशेष रूप से सजाते हैं। प्रतीक रूपेण बालका अपि मृणमय मिट्टी का वृषभ बैलों से क्रीडंती। बच्चों यहाँ तो बैलों की पूजा की जाती है क्योंकि उनसे कृषि कार्य कराया जाता है, वो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य करते हैं, मदद करते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, तो प्रतीक रूपेण यानी बैलों के प्रतीक, मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे बैल होते हैं, तो प्रतीक रूपेण प्रतीक रूप में बालका बालक भी बच्चे भी, अपी का मतलब होता है भी बच्चे भी, मृणमय मृतधनमय मतलब मिट्टी मृदा, मृदा से बना हुआ है ये, मृदा से, मृदा का अर्थ मिट्टी, तो मृणमय मिट्टी का वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, तो यहाँ वृषभ बहुवचन में है, बैलों से, बैल जोड़ी लेते हैं ना बेटा, मिट्टी के छोटे छोटे आप चित्र में भी देख रहे हो, एक बालक जो है वो बैल लेकर जा रहा है कि नहीं, हाँ, तो क्रीडंती का अर्थ होता है खेलते हैं, तो प्रतीक रूप में बालक भी मिट्टी के बैलों से खेलते हैं। बालक मतलब बहुत सारे बालक, बहुवचन है यहाँ पर बालका में, बालिका फुगड़ी आदि क्रीडया स्वकीम आनंदम प्रदर्शयंती। भाई बालक तो मिट्टी के बैलों से खेल रहे हैं, बालिकाएं भी खेलती हैं, पर क्या, चलिए इसमें अनुवाद में समझिए, बालिकाएं फुगड़ी आदि खेलकर क्रीडया खेलकर स्वकीम आनंदम प्रदर्शयंती, स्वकी अपना आनंदम खुशी अपना आनंद प्रदर्शित करती हैं, मतलब लड़कियां इस दिन फुगड़ी खेलकर खुश होती हैं। तीजा पर्वण अत्र विशेषम महत्वम अस्ति, तीजा पर्व का यहाँ विशेष महत्व है। स्त्रियः स्वीयं मातृकुलं गत्वा परिवारजनैः सह सानन्दम् उपोष्य पत्युः दीर्घायुष्यं कामयन्ति। स्त्रियाँ, स्त्रियः माने स्त्रियाँ, मातृकुलं मातृ माता के घर, मातृकुलं माता के घर, गत्वा गत्वा माने जाकर, परिवारजनैः सह परिवार के लोगों के साथ, सानन्दम् उपोष्य, सानंदम उपोष्य का मायने दिया है बच्चों आनंद पूर्वक उपवास करके, और पत्यो शब्द का भी मायने दिया है पति की, और दीर्घायुष्यम दीर्घ धन आयुष्यम से बना हुआ है ये संधि शब्द है, यहाँ दीर्घ धन आयुष्यम स्वर्ग स्वर संधि है यहाँ पे, और कामयंती कामना करते हैं। तो अब इसका अनुवाद होगा बच्चों, स्त्रियाँ अपनी माता के घर जा कर के परिवार के लोगों के साथ आनंद पूर्वक उपवास करके पति के लंबी आयु की कामना करती है, दीर्घ आयु की कामना करती है। बच्चों आपको पता है ना, आपकी माता जी तीजा के समय में मामा या नाना जी लेने आते हैं तो मायके जाती हैं, कई बार तो आप भी साथ में जाते हो भाई, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि माता जी कौन से पर्व के लिए मायके जाती है, तीजा पर्व के लिए। व्रतस्य समापने नानाविधम व्यंजनम पचंती, व्रत के, व्रतस्य माने व्रत के समापने, समापन होने पर, समाप्त होने पर, नानाविधम, नानाविधम का मायने यहाँ लिखा है बच्चों अनेक प्रकार के, व्यंजनम, व्यंजनम का अर्थ होता है पकवान, पचंती लिखा हुआ है पकाते हैं। तो बच्चों जब व्रत समाप्त हो जाता है तो अनेक प्रकार के व्यंजन पकाते हैं, ये आपको मालूम है, तो इसका अनुवाद होगा व्रत के समापन होने पर, व्रत के समाप्त होने पर अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान पकाते हैं। ठेठरी खुरमी इति खाद्य पदार्थम परस्परम मित्रंती,
ठेठरी खुरमी, ये खाद्य पदार्थ परस्परम माने आपस में, वितरंति माने बांटते हैं, वितरित करते हैं, वितरंति का शब्दार्थ भी दिया हुआ है वहाँ, बांटते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि तीजा में ठेठरी खुरमी बनाई ही जाती है और इसको हम एक दूसरे को देते हैं, बांटते हैं और बांटकर खाते हैं। नाना विधानी वस्त्राभूषणानि परिधाय भगवतः पूजनम कृत्वा संतोषम अनुभवन्ति। भाद्रपदस्य शुक्ल तृतीयायाम तिथौ उत्सवो अयम भवति। बच्चों इसका कठिन शब्द का अर्थ और अनुवाद साथ में बताते जा रही हूँ। नाना विधानी मतलब अनेक प्रकार के, वस्त्राभूषणानि वस्त्र और आभूषण, आभूषण माने जेवर गहने, परिधाय का अर्थ दिया है पहनकर, भगवतः माने भगवान, पूजनम कृत्वा पूजा करके, संतोषम अनुभवंती संतोष अनुभव करती है, और भाद्रपदस माह का नाम आ गया, शुक्ल तृतीयायाम तिथि, ये तिथि का नाम है बच्चों, उत्सवो अयम भवति, उत्सवो अयम, यहाँ पर संधि है उत्सव धन अयम, विसर्ग संधि है यहाँ पर, उत्सव धन अयम, अयम का अर्थ होता है यह। तो अब मैं इसका अनुवाद बता दूं आपको, अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणानि मतलब वस्त्र आभूषण परिधाय पहनकर भगवान की पूजा करके संतोष अनुभव करते हैं। भाद्रपद की शुक्ल, अब यहाँ बच्चों एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ, जो हिंदी महीने हैं उनमें दो पक्ष भी माने गए हैं, एक पक्ष है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और उसमें ये एकम से लेके तिथियाँ आती हैं। तो यहाँ उस तिथि की बात की जा रही है कि भाद्रपद महीने में किस तिथि को ये जो त्यौहार हम पढ़ रहे हैं तीजा पर्व है ना, तीजा पर्व किस तिथि को आता है, तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह त्यौहार होता है, ये इसका अनुवाद होगा बच्चों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। चलिए बच्चों अब इसके आगे आपको बताने के पहले आप मुझे ये बताइए कि तीनों त्यौहार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, कौन कौन से, हरेली, पोला और हमने पढ़ा तीजा के बारे में, तो आपके घर में तो मनाते हैं भाई, आपको पता ही है और समझ में भी आ गया होगा, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं आप लोग, पूछें आपसे प्रश्न, चलिए प्रश्न पूछते हैं, उत्तर फटाफट बताइएगा। अभ्यास के प्रश्न बच्चों उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, जनाः हरेली उत्सवम कस्मिन् मासे मन्यन्ते, लोग हरेली उत्सव हरेली का पर्व किस माह में मनाते हैं। बच्चों उत्तर आया, चलिए याद आ गया होगा सबको, फिर भी मैं बता देती हूँ, यहाँ माह का नाम बताना है बच्चों और कुछ नहीं, किस माह में हरेली उत्सव मनाते हैं। जना हरेली उत्सवम श्रावण माह से मन्यन्ते, सावन माह में, केवल सावन ही जोड़ना है, वह प्रश्न सूचक शब्द है कस्मिन, उसको हटा के श्रावण लगा दीजिए, एकदम सरल है उत्तर लिखना और समझना, तो सावन माह में मनाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्त्रियः तीजा पर्वाणि कस्य दीर्घायुष्यम कामयन्ति, स्त्रियः माने महिलाएं, स्त्रियां तीजा पर्व किसके दीर्घ आयु के कामना के लिए करती हैं, मतलब किसके आयु के लिए वो जो पर्व मनाया गया है तीजा पर्व, उसमें उपवास जो वो रखती हैं किसके दीर्घ आयु के लिए, तो आपको उत्तर याद आ गया होगा, पति की दीर्घ आयु के लिए स्त्रियां तीजा पर्व करती हैं, तीजा पर्व का उपवास रखती हैं, तो इसको हम लिखेंगे जहाँ पर कस्य दीर्घायुष्यम लिखा है तो कस्य हटा के वहाँ आ जाएगा पत्युः। तो बच्चों आपको अभ्यास के प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे, अब हम चलते हैं, आपको अब इतना आप पढ़ लिए समझ लिए और जानते भी हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ आपको गृह कार्य भी दिया जाए, ठीक है ना, करिएगा बच्चों मन से, बहुत सरल है और अच्छा भी लगेगा आपको करने में, मज़ा भी आएगा। तो इसका प्रश्न है, हरेली और पोरा पर्व के बारे में हिंदी में 5-5 वाक्य लिखे, लिख लेंगे ना बच्चों,
केवल पांच वाक्य लिखना है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, पकवान क्या क्या बनाए जाते हैं। आप अपने घर में बड़े बूढ़ों से भी पूछिएगा, माता जी से पूछिएगा। पांच पांच वाक्य, हरेली के लिए पांच, पूरा के लिए पांच। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीजा पर्व के बारे में अपनी माता जी से पूछकर हिंदी में लिखें। बच्चों, माता जी तीजा पर्व मनाती है, जानते हैं आप, तो माता जी बहुत अच्छे से विस्तार से आपको तीजा पर्व के बारे में बताएंगे। हमने पाठ में जो पढ़ा वो तो आपको पता ही है, अन्य और चीज़ें माता जी से भी पूछिएगा और विस्तार से आप उसको लिख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, तो ये गृह कार्य आप जरूर करिएगा। और ये इतने ही प्रमुख पर्व नहीं है छत्तीसगढ़ के, और प्रमुख पर्व हैं जिनको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।